हाय गाइस, वेलकम बैक टू डिस्टेंस रूटीन। मैं हूं शुभम और इस टाइम मैं किसी फॉरेन कंट्री में नहीं हूं, मैं हूं आपके हमारे इंडिया में। और अभी मैं आया हूं अंडमान में। अंडमान में 3 साल पहले भी आया था और उस टाइम मैं घूमा था हैवलॉक नील और पोर्ट ब्लेयर। लेकिन इस बार मैं ये तीनों प्लेसेस तो कवर करूंगा ही, साथ ही साथ आपको ले चलूंगा लिटिल अंडमान में, आपको ले जाऊंगा मिडिल अंडमान में और बारह तांग वगैरह की भी ट्रिप कराऊंगा। तो अभी तो मैं बैठा हूं यहां पे, आपको दिखा रहा हूं ये राधानगर बीच जो कि हैवलॉक का है। सो इसी तरह आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेंगी, बहुत सारे ऐसे भी आपको बीच देखने को मिलेंगे जो कि एकदम वो मालदीव वाले हैं। सो आपको पूरी इस अंडमान की सीरीज़ में हर एक इन्फॉर्मेशन मिलेगी, बजट से रिलेटेड, शिप से आप यहाँ पे कैसे आ सकते हैं और यहाँ पे शिप से कैसे ट्रैवल कर सकते हैं, गवर्नमेंट फ्री का क्या टाइमिंग है, क्या प्राइसिंग है, हर एक इन्फॉर्मेशन आपको डिटेल मिलेगी बजट के साथ। तो पूरी जानकारी के लिए अंडमान की सीरीज़ को पूरा ज़रूर देखिएगा, जिससे आपकी हॉलीडे आराम से मन जाए और आराम से यहाँ का प्लान बना लें। सो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। आप मुझे फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो भी कर सकते हैं। तो आइए मेरे साथ करिए अंडमान का ये सुहाना सा सफर। अंडमान जाने के लिए मैं आ चुका हूँ कोलकाता के एयरपोर्ट पर। और अंडमान के लिए आपको पहुँचना होता है पोर्ट ब्लेयर, और सबसे सस्ती फ्लाइट आपको मिलती है हैदराबाद, कोलकाता और चेन्नई से। तो इन सभी जगहों से आप देख लें कहाँ से आपके लिए जाना सबसे सुविधाजनक होता है और कहाँ पे सबसे सस्ता फेयर आपको पड़ता है। तो इन प्लेसेस से आप पहुँच सकते हैं पोर्ट ब्लेयर, और पोर्ट ब्लेयर इकलौता एयरपोर्ट है। तो फ्लाइट का भी बस वेट हो रहा है, जब आएगी पहुँचते हैं सीधे अंडमान। अंडमान बंगाल की खाड़ी में स्थित है, जहां 836 आइलैंड्स हैं, जिसमें से 38 आइलैंड ऐसे हैं जहां लोग रहते हैं। और यहां 3 डिस्ट्रिक्ट हैं। पूरे अंडमान में हिंदी ही मेन लैंग्वेज है। स्वागत है आप सभी का पोर्ट ब्लेयर के एयरपोर्ट पर, और चलते हैं अब बाहर की तरफ। फ्लाइट के अलावा पोर्ट ब्लेयर आप बाय शिप भी पहुँच सकते हैं। शिप कोलकाता, चेन्नई और वाइजैक से चलती है, और ये सभी शिप्स महीने में केवल 3-4 दिन ही चलती है और पहुंचने में 55 से 70 घंटे तक लग सकते हैं, जिसमें बंक क्लास से लेकर डिलक्स क्लास तक की कैटेगरी होती है। और बंक क्लास के चार्जेस 2600 से स्टार्ट होते हैं, जबकि 10,000 से 11,000 तक के डिलक्स कैटेगरी के रूम्स मिलते हैं। लेकिन ऐसे रूम्स इन सिटीज से जाने वाली नालंदा और सिंधु नाम के शिप्स में हैं, क्योंकि ये नए हैं, जबकि बाकी शिप्स पुराने हैं। इनकी बुकिंग आप ऑनलाइन नहीं कर सकते हैं और केवल इन तीनों सिटी में बने स्टार्स के काउंटर से ही कर सकते हैं। पोर्ट ब्लेयर के एयरपोर्ट पर आते ही आपका होता है कोविड का सर्टिफिकेट चेक, और उसके लिए आप पहले से डाउनलोड करके रखें। मुझे मालूम नहीं था यहाँ पे नेट वगैरह का, लेकिन यहाँ पे जियो, वोडा और BSNL और एयरटेल का नेटवर्क आ रहा है, तो तुरंत डाउनलोड हो गया। तो मालूम नहीं था, लग रहा था कि मेरा नेटवर्क नहीं आएगा। सो आपका बोर्डिंग पास चेक होगा, और अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो कोविन की वेबसाइट पे जाके, जैसा कि सर्टिफिकेट लोड होता है, आप डाउनलोड कर दें। और फिर उसके बाद आपके हाथ पे स्टैंप लगता है कुछ इस तरह का, वैक्सीनेटेड। तो बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है और फटाफट हो जाता है। तो अगर यहाँ पे देखेंगे, ये रहा ये पूरा एयरपोर्ट, जैसा कि मैं 3 साल पहले आया था तब था वैसा ही कुछ है। और अब यहाँ पे 2 नंबर बेल्ट पे आया हुआ है, अपना लगेज लेते हैं और चलते हैं बाहर। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही आपको टैक्सी वाले मिल जाएंगे, जो 2-3 किलोमीटर के डिस्टेंस तक के होटल तक 200 से 250 रुपए में पहुंचा देंगे। पोर्ट ब्लेयर की प्लेसेस को कवर करने के लिए मैं आया हूँ यहाँ सेल्फ राइड में। सेल्फ राइड डॉट इन वेबसाइट है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आया हूँ स्कूटी हायर करने के लिए। 500 रुपीज़ में यहाँ पे स्कूटी मुझे मिल गई है, और जनरली 600 सीज़न वगैरह में होती है। बाइक वगैरह लेना चाहे तो उससे भी ऑप्शन है।
बाकी इनकी ब्रांचेज हैवलॉक और नील में भी मैंने पता किया है, तो इन्हीं के थ्रू मैं हर जगह बुक कर ले रहा हूँ ताकि इजीली घूम सकूँ। बाकी छुट्टी कई सारी है, तो आप चाहे तो एडवांस में भी बुक कर सकते हैं और चाहे तो यहाँ पे आके भी बुक कर सकते हैं। एडवांस में कर ले तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि सीज़न के टाइम में कई बार होता है कि छुट्टी खत्म है तो कैसे घूम के जाओगे। पोर्ट ब्लेयर से रॉस आइलैंड और नॉर्थ बे की हाफ डे ट्रिप होती है, जिसमें नॉर्थ बे वाटर स्पोर्ट्स के लिए मशहूर है और इन आइलैंड्स पर जाने के लिए आपको टिकट और बोट मिलती है राजीव गांधी वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से। यहां के लिए आप मॉर्निंग 8 बजे तक निकल जाएं। राजीव गांधी वाटर स्पोर्ट्स में आप देख रहे होंगे यहाँ पे रॉस आइलैंड और नॉर्थ बे जाने के लिए कितनी भीड़ भाड़ है और टिकट के लिए भी लाइन लगी हुई है। सो अगर इससे आप बचना चाहते हैं तो मैंने बुक करा लिया था bookmyboat.com से। सो उससे ये हो गया कि इजली टिकट पहले से एडवांस में भी बुक हो गया और प्राइस भी अच्छी मिली और आराम से बिना किसी लाइन वाइन के बस सीधे अब एंट्री करनी है, तो ये बेनिफिट हो गया। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उसके भी आप जा सकते हैं और उससे बुक करें, आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा और प्रेफरेबल रहेगा मेरी तरफ से। मॉर्निंग में आपको 8:30 को ओपन होगा सर, ठीक है, मॉर्निंग शार्पली 8:30 को ओपन होगा और यहाँ से आप लास्ट जाने का टाइमिंग है 2 बजे तक। सुबह 8:30 से आप 12:30 तक आप रॉस एंड नॉर्थ बेलन का टूर कर सकते हो। देन उसके बाद 2 बजे तक आप किसी सिंगल रॉस एलन जाने का ही टाइमिंग, उसके बाद रॉस एंड नॉर्थ बेलन जाने का कोई परमिशन होता नहीं है, ओनली सिर्फ रॉस एलन का ही होता है। सिंगल रॉस एलन का टिकट का दाम होता है ₹370 पर हेड एंड रॉस एंड नॉर्थ बेलन आने जाने का दोनों का टिकट होता है 770 एंड सिंगल नॉर्थ बे एलन अगर कोई बंदा जाना चाहता है उसका रेट होता है ₹570 पर हेड। नॉर्थ बे एक प्रोटेक्टिव आइलैंड है जो कि मेरी लाइफ को प्रिजर्व करते हैं, ठीक है। लोग यहाँ पर हर टाइम जा नहीं पाते, कभी क्या सीज़न ख़राब हो जाता है, वेदर ख़राब होता है। नॉर्थ बे आइलैंड हर किसी का किस्मत में नहीं रहता है, जो जाते हैं वो देख पाते हैं, लाइट हाउस भी देख सकते हैं, प्लांटेशन भी देख सकते हैं और अंडर वाटर मेरी लाइफ भी इंजॉय कर सकते हैं। नॉर्थ बे आइलैंड वाटर एक्टिविटी का हब है, जिसको भी सारा तरह का वाटर एक्टिविटी आपको सब इंजॉय करना है, नॉर्थ बे आइलैंड इज़ द बेस्ट आइलैंड। आपका YouTube पे आएगा, इनके यहाँ से लेना, दिखा दो इनका, यहाँ पे रोज लगाते हो आप, तो यहाँ पे राजीव गांधी वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हमेशा ही लगाते हैं। इनकी पहचान लो, एक्सेस है 125 यही लेके आते हैं कस्टमर से, जितना इधर आएगा। अच्छा अच्छा, तो आप ट्रायल करेंगे? हाँ बिल्कुल। रॉस आइलैंड के लिए आपको 10-सीटर बोट मिलती है और इसमें प्रॉपर रूफ नहीं होती है, इसलिए अम्ब्रेला, सनस्क्रीन, सनग्लासेस और स्लीपर्स जरूर रखें और वाटर स्पोर्ट्स करने का प्लान हो तो एक्स्ट्रा पेयर कपड़े भी साथ में रखें। पोर्ट ब्लेयर से रॉस आइलैंड पहुंचने में आपको केवल 10 मिनट लगते हैं और रॉस आइलैंड का नया नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा गया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप के अंदर आते ही यहाँ पर आपको ये काउंटर दिखेगा और यहाँ पे भीड़ भाड़ आप देख रहे होंगे और अगर आप इधर पीछे देखेंगे तो गोल्फ कार्ट ये खड़ी हुई है। इससे अगर आप पूरा ये जो द्वीप है इसको कवर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको देना पड़ेगा ₹80 पर पर्सन। तो अगर आप चलने में असमर्थ हैं या फिर चलना नहीं चाहते हैं, धूप होती है क्योंकि गर्मी काफ़ी होती है, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। आइलैंड के अंदर आते ही आपको यहाँ की पूरी हिस्ट्री पता चल जाएगी, जो काफी इंटरेस्टिंग भी है। यहाँ ऊपर की तरफ चर्च, पुराने बंगले और बैराक के साथ लाइट हाउस भी है और इस पूरे आइलैंड को घूमने में कम से कम 1 घंटे लग ही जाते हैं। इसको बेचारे को खाने को नहीं देंगे, जनरली ये भाग जाते हैं हम लोग को देख के उछल उछल के, लेकिन ये पास में आ रहा है, गाय कुत्ते जैसा हो गया ये। 2019 में भी मैं अंडमान में आया था और उस टाइम भी मैं रॉस आइलैंड पर आया था। तो रॉस आइलैंड पे जब आप आएंगे तो पहले थोड़ा सा आगे चलेंगे और फिर उसके बाद ये पोर्शन आता है, ये यहाँ का विद्युत घर है और जिसे पावर हाउस इंग्लिश में कहते हैं, लेकिन फिलहाल ये कुछ इस तरह का हो गया है। जो रूट्स हैं वो यहाँ की पिलर्स को पूरी तरह से घेर चुकी हैं पेड़ की, और यहाँ पर मतलब एक अलग टाइप की फोटोग्राफी वगैरह अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ पे वो पॉइंट है, बहुत खूबसूरत लगता है। अब और भी जगह यहाँ पर दिखाता हूँ, ये पूरा प्रिंटिंग प्रेस हुआ करता था और यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है, पूरी रूट्स जो हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, दीवारों को जकड़ चुकी है और यही चीज़ देख के आपको कभी काफ़ी अट्रैक्टिव लगेगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप से निकल चुके हैं नॉर्थ बे की तरफ
और यहाँ पे लाइट हाउस है, बेसिकली पॉपुलर है वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए, और सारे टूरिस्ट यहाँ से गर्म होके वहाँ पे ठंडक पाने के लिए जाते हैं, कूद जाते हैं समंदर में, देखते हैं वहाँ पे क्या चीज़ें हैं। बाकी भाई गर्मी बहुत है पर ठीक है, घूमने आए तो थोड़े से सहना पड़ता है, एसी नहीं मिलेगा यहाँ पे आपको, बस नेचुरल हवा और ये गर्मी धूप नहीं मिलेगी। नॉर्थ बे में आए हैं तो वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी तो करना बनता ही है क्योंकि उसी के लिए लोग आते हैं, ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं है सिवाय एक लाइट हाउस के जो कि अभी बंद है, लेकिन जब आप आएंगे तो ओपन होगा क्योंकि यहाँ पे कुछ मीटिंग्स वगैरह G20 की चली है इस वजह से क्लोज है, लेकिन आप आएंगे तो ओपन हो जाएगा। बाकी यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी है और जो मैंने यहाँ पर भी बुकिंग की हुई है, ये मैंने bookmyboat.com से की हुई है बुकिंग, और काफ़ी जेन्यून प्राइस में मिल जाता है, ऑनलाइन बुकिंग हो जाती है, मैंने लिंक दे दिया है, बाकी कॉन्टैक्ट डिटेल भी दिया है, कॉन्टैक्ट करके भी आप बुक कर सकते हैं, दोनों तरह की सुविधा उपलब्ध है। और बाकी चलते हैं देखते हैं कैसी है और प्राइस भी मैं आगे आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ सी वॉक के लिए निकला जिसमें नॉर्थ बे से एक स्पीड बोट से मात्र 2 मिनट की राइड करके थोड़ी दूर खड़े शिप पर ले जाया जाता है, जहां डॉक्यूमेंट साइन करने के बाद आपको ब्रीफिंग दी जाती है। पानी के नीचे आप बात नहीं कर सकोगे, आपस में इंटरेक्ट करने के लिए हैंड सिग्नल्स यूज करोगे। हमारा एसोसिएट आपको हेलमेट पहनाएगा, हेलमेट पहनाने टाइम आपको स्ट्रेट देखना है, ऊपर या नीचे नहीं देखना है। हेलमेट वजनदार होता है, अगर ऊपर या नीचे देखोगे तो आपका चिन पे लग सकता है। ओके, साथ वाले को तानना धक्का देना वैसे मस्ती मजाक नहीं करना है। ओके, एक्वेटिक लाइफ को चेज नहीं करना है, मच्छियों को पकड़ने का कोशिश या कोरल को टच नहीं करना है। ओके, बंदा अगर नोटिस करता है आप डिसबैलेंस हो रहे हो या गिरने वाले हो या ऐसा कुछ भी है तो आपको पैर से या हाथ से सपोर्ट करेगा, उस टच को सेक्सुअल टच की तरह कंसिडर नहीं करना है, वहाँ पे आपको सपोर्ट कर रहा है, हेल्प कर रहा है। ओके, टी शर्ट को इन करने के लिए बोला है और स्लीपर्स को उतारने के लिए, और उसके बाद अच्छी खासी हम लोग की थोड़ी सी 3-4 मिनट की ब्रीफिंग हुई है जिसमें बताया गया है क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, तो वो सब तो सारी जो ट्रेनिंग काम आएगी अंदर आएगी, देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। बाकी यहाँ पर अभी आप देख रहे होंगे लोग आ रहे हैं और कुछ करके भी, और आपके साथ एक होता है बंदा जो आपको पूरे टाइम रहेगा, तो लेट्स सी देखते हैं कैसा रहता है एक्सपीरियंस। इंतज़ार में सभी लोग अभी खड़े और बैठे हैं, पानी ठंडा ठंडा सा है पर इस टाइम ठंडक की दिक्कत नहीं है, मछलियाँ तैर रही हैं पास में ही, इतना ही। और नीचे सर एक स्टेप और तो अपने फेस पे आने वाला है ये ग्लास, और हाँ देखते हैं अंदर कैसे चलेगा, सब कुछ कुछ मालूम नहीं है। नीचे जा नीचे तो कैमरा बंद कर रहे हैं। इस हेलमेट को पहनते ही आप नीचे आ जाते हैं, और नीचे आते ही आपको वो दुनिया बिल्कुल क्लियर दिखाई देगी जिसके लिए दुनिया भर से लोग आते हैं, और इसका एक्सपीरियंस स्कूबा से बिल्कुल अलग होता है। सी वॉक के लिए आपको 3500 रुपए तक देने होते हैं जिसमें सी के अंदर की फोटोज और वीडियोस कॉम्प्लीमेंट्री इंक्लूड होते हैं। तो बाहर आ चुके हैं और पूजा भी बाहर आ चुकी है, बिल्कुल भी बाल हम लोगों के बिल्कुल भी गीले नहीं हुए क्योंकि पूरा कवर्ड था। जो प्रॉब्लम की बात की जाए कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं है, बिल्कुल ही सेफ है, बस आप जब नीचे जाते हैं तो कान में थोड़ा सा प्रेशर होता है, अभी भी कान बंद है तो उसको जैसा कि बताया गया है कि नाक को दबा के प्रेशर नाक पे डालें तो कान ओपन हो जाता है, तो भाई ये ट्राई कर दी। ऑलरेडी ओपन ही था मेरा, ठीक है अभी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे सही हो रहा है, पर बहुत मजा आया। स्कूबा में प्रॉब्लम होती है कि आपको आधे से ज्यादा फोकस होता है कि कहीं ब्रीद इन ब्रीद आउट छूट ना जाए, कहीं मिस ना हो जाए, इसमें वो नहीं है, आपको सेम लाइफ भी दिख जाती है और ब्रीद इन ब्रीद आउट का टेंशन नहीं। और लिटरली आप वॉक करते हैं और फिशेज आपके आसपास आती हैं तो हाँ आपको खाने टच करती हैं, आपको खुद ही आती हैं, तो ये एक्सपीरियंस ज़रूर लें, मतलब आपका पैसा वर्थ है, बस इतना ही बोलूँगा कि अगर आप जाओगे पैसे डाल रहे हो तो वर्थफुल रहेगा, और अंडमान में आ रहे हो इतना दूर आ रहे हो यहीं पर होती है ये एक्टिविटी और कहीं नहीं मिलेगी, तो इसको ज़रूर करें, मिस ना करें। वापस नॉर्थ बे आकर अब कुछ भूख लग गई थी।
नॉर्थ बे में कुछ रेस्टोरेंट्स भी है मेरे बैक साइड में जहाँ जनरली लोग आके लंच करते हैं, क्योंकि यहाँ पे अब दोपहर हो ही जाती है। यहाँ पे पानी की बॉटल मैंने ली है, ये 50 रुपीज़ की 2 लीटर की मिली है, और अगर आप लेते हैं यहाँ पर वेज थाली वगैरह लेते हैं तो वो आपको पड़ती है 150 की, और नॉन वेज थाली लेते हैं तो 250 की पड़ती है। तो खाने का अरेंजमेंट चाहे तो साथ में लेके चले, पर कितना अरेंजमेंट करोगे भाई, थोड़ा यहाँ के लोगों को भी सपोर्ट करो और खिला भी खा पी लो यहाँ पर भी, यहाँ का भी टेस्ट लेकर जाओ ना। तो बाकी पानी की बॉटल स्टिकी है। इसके ठीक बाद ही मैंने यहाँ से स्कूबा का भी प्लान कर लिया, जिसके लिए यहाँ पर कॉस्ट्यूम भी दी जाती है, स्कूबा के लिए भी ब्रीफिंग होती है और सारे किट आपको पहनाए जाते हैं, जिसके बाद आपको बस डूबना होता है इस नीले से समंदर में, और कुछ भी खोजने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि समुद्री दुनिया आपके आसपास होती है, जिसमें 10 से 15 मिनट में आप काफी कुछ देख लेते हैं। सी वॉक की तरह इसके चार्जेस भी 3500 रुपए होते हैं और फोटोज और वीडियोस कॉम्प्लीमेंट्री मिलते हैं। बाहर आ गया हूँ मैं और मच्छी खून आ रहा है, ब्लीडिंग इसलिए हो रही है क्यों पता नहीं है अभी रीज़न, नाक से आ रहा है कहाँ से आ रहा है, क्योंकि अब मछली एक थी जो ब्लू कलर की, वो मेरे मुंह के पास बार बार आ रही थी, पता नहीं उसकी वजह से या किस वजह से नहीं मालूम है। बाय द वे जो यहाँ का स्कूबा था, सबसे पहले वहाँ पे भी मेरे अंदर जो दिमाग में आ रहा था, क्योंकि अभी जस्ट 1 महीने पहले स्कूबा की हुई है लक्षद्वीप की और फिर उसके बाद यहाँ की, तो डिफरेंस का ही माइंड में सबसे पहले आता है, तो वहीं आया मेरे दिमाग में, और वो ये था कि यहाँ की जो स्कूबा थी वो 12 मीटर डीप थी और काफ़ी डीप में ले गए थे, और लक्षद्वीप में 6 मीटर की ही है, तो वहाँ पर और यहाँ पे अंतर जो दिखा वो डीपनेस का दिखा, लेकिन जो क्लियर था वो लक्षद्वीप का ज़्यादा क्लियर था, यहाँ का उतना क्लियर मुझे नहीं लगा। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको फिशेज़ ज़्यादा दिखेंगी और मतलब कई कलर्स की दिखेंगी, तो ये अंतर था। तो दोनों की अपनी खासियत है, कहीं भी आप जाएंगे ये एक्टिविटी ज़रूर करें और आप भी डिफरेंस देखें, और आप भी फिर उसके बाद समझेंगे और दूसरों को बता पाएंगे कि एग्जैक्टली है कैसा। दोनों ही जगह की बहुत ज़बरदस्त है, हैवलॉक में कहते हैं और ज़्यादा अच्छी होती है, तो हैवलॉक वाली भी आपको ज़रूर दिखाएंगे। अब निकल रहे हैं एक और एक्टिविटी के लिए, मतलब नॉर्थ बे में पूरा दिन एक्टिविटी बस यही चल रहा है, और अब जो होने वाली है वो है पैरासेलिंग, तो चलते हैं वो भी करने के लिए। पैरासेलिंग के लिए आपको 3000 रुपये देने होते हैं और लगभग 5 मिनट की ही ये एक्टिविटी होती है, और यहाँ पर सुरक्षा को देखते हुए गोवा की तरह सी में डिप भी नहीं कराते हैं। कुल मिला के इसका एक्सपीरियंस ठीक ठाक सा ही था, और इसके बाद मैंने 600 रुपये देकर 5 मिनट की जेट स्की की भी राइड करी। सुबह से हो गई शाम, बाल बाल बिखर गए हैं, एकदम गीले पड़े हैं, पर ये दिन बहुत अच्छा रहा। थोड़ी सी चोट लगी क्योंकि ये जब खींच रहे थे पुल कर रहे थे तो हवा चली अचानक से, तो टेढ़ी हो गई। खींचना था, मैं अपने आप लैंड होती सही से, खींचने से ज़्यादा हुआ। हाँ ओके, तो पूरा दिन मतलब कुछ ऐसा ही रहा, पूरा एडवेंचर से भरा हुआ, बेहतरीन था ये दिन और मज़ा आया। आप भी आओगे, और जो भी मैंने नंबर्स आपको दिए हैं, कॉन्टैक्ट दिए हैं, डिटेल्स दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में जाकर ज़रूर देख लें, आपके लिए थोड़ा चीप भी पड़ेगा और आसानी से बुकिंग्स वगैरह भी हो जाएगी। तो आज का पोर्ट ब्लेयर का दिन यही समाप्त होता है, आप मिलते हैं अगले दिन। अंडमान के नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको यहाँ का मेरा बजट स्टे दिखाऊंगा और ले चलूंगा यहाँ के फेमस सेलुलर जेल में, थोड़ा खाने पीने और मार्केट के ऑप्शंस दिखेंगे और चल पड़ेंगे हैवलॉक और नील आइलैंड की सैर पर। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए इस पूरी अंडमान की सीरीज में बने रहे और वीडियो को लाइक शेयर के साथ ऐसी ट्रैवल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।